नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बीजेपी पार्षद के पिता को रतनलाल नगर चौकी इंचार्ज ने सोमवार को एक थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में चौकी पहुंचकर घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी में रहने वाली विधि राजपाल वार्ड 34 से भाजपा की पार्षद है। विधि राजपाल के पिता आनंद राजपाल भाजपा के बुंदेलखंड क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है। एसपी साउथ अशोक कुमार वर्मा हाथ जोड़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मांगते रहे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें भी अपमानजनक बातें कहते रहे। एसपी साउथ अशोक कुमार वर्मा ने बताया, रतन लाल चौकी इंचार्ज पर बीजेपी वर्कर ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। मामले में दरोगा व 3 सिपाही को बर्खास्त किया गया है। इसके साथ ही उनकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महादेवन बस्ती में कुछ दिन पहले कटिया फांस कर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ केस को नई कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस ने भी कार्रवाई की थी। आनंद राजपाल का आरोप है कि पीड़ित महिलाओं से रतन लाल चौकी के इंचार्ज अच्छेलाल पाल 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे और 4,000 रुपए ले चुके हैं। इस संबंध में वो महिलाओं की पैरवी करने के लिए गए थे। आनंद राजपाल 3 महिलाओं को लेकर चौकी पहुँचे। आनंद राजपाल ने बताया, जब चौकी गए तो वहाँ पर 3 सिपाही थे। सिपाहियों ने कहा, दरोगा खाना खाने गए हैं। कुछ देर के इंतजार के बाद जब दरोगा आए तो उन्होंने कहा, यहाँ महिलाएं बहुत गरीब हैं। तब दरोगा ने कहा, इनके खिलाफ मुकदमा हो गया है और चार्जशीट लग गई है। कुरो तातयोन मारक। उन्होंने कहा, दरोगा जी मेरा परिचय जान लीजिए। तो दरोगा जी कहने लगे, क्या तुम प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री? इतना कहते हुए मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मेरे साथ आई महिलाओं को बाहर कर दिया और चौकी का गेट बंद करके मुझे सिपाहियों ने पकड़ लिया, मेरे साथ मारपीट की। इसके बाद मैं चौकी से बाहर की तरफ भागा और अपने कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी। महादेवन बस्ती में रहने वाली एक महिला बेबी ने बताया, चौकी इंचार्ज ने 10,000 रुपए की मांग की थी। वह लगातार उन पर पैसे का दबाव बना रहा था। पुलिस हमें परेशान कर रही थी, तो मैंने यह बात आनंद राजपाल को बताई तो वे हम लोगों को लेकर चौकी लेकर आए थे।